प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने खनन और क्रेशर इकाइयों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पाबंदी लंबी चलने के कारण स्टोन क्रेशर मालिक दिवालिया होने की कगार पर हैं। रिपोर्ट देखिए। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन फैसले से एक तरफ प्रदूषण तो कम हुआ मगर कई लोगों का रोजगार भी छिन गया। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन खनन पर रोक से स्टोन उत्पादन के क्षेत्र में गहरा संकट पैदा हो गया है, जिसका असर न सिर्फ स्टोन क्रशर मालिकों पर पड़ रहा है बल्कि श्रमिक भी रोजगार से हाथ धो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चरखी दादी के अटेला, खेड़ीबूरा और पिचोपा समेत कई इलाकों में पहाड़ी खनन और क्रेशर इकाइयों पर पाबंदी लगी है, तो दूसरी तरफ इस पाबंदी से पत्थरों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे मकान निर्माण महंगा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांग की है कि जल्दी पाबंदी हटाई जाए। क्रशर मालिकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगी पाबंदी हटा दी है और इसीलिए स्टोन क्रशरों को संचालन की अनुमति दी जाए। ऐसे में एक तरफ प्रदूषण तो जरूर कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पत्थर उत्पादन के क्षेत्र में संकट गहरा गया है, जिसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।